आज मैं आपको जियोमॉर्फोलॉजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताने जा रहा हूं। ये जो कंसेप्ट है ये नींव है समझने के लिए कि दुनिया में इस वक्त अगर कुछ भी हो रहा है, बेस है। क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी, हर सब्जेक्ट का एक बेस है ये। इसको हम बोलते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। हम जिस तरह से आज 7 कॉन्टिनेंट्स देखते हैं ना बच्चों, हाँ यस जी, सर। कौन कौन से हैं ये 7 कॉन्टिनेंट्स, कोई बताएगा? 7 कॉन्टिनेंट्स कौन कौन से हैं? एशिया है, अफ्रीका है, और कौन कौन से हैं? नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एशिया, अफ्रीका, एंटार्क्टिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, पता है सबको? यस सभी को पता है 7 कॉन्टिनेंट्स है। बट इनिशियली हमारा मानना है कि ये 7ों कॉन्टिनेंट ऐसे नहीं थे जैसे हमको आज दिखाई पड़ते हैं, जैसे हमको आज दिखते हैं। एक जर्मन मीटरोलॉजिस्ट थे, यानी कि वो बंदा जो कि स्टडी करता था जर्मनी में, एक मीटरोलॉजिस्ट था जो कि मौसम वगैरह को देखता था। उन्होंने एल्फ्रेड वेंगलर उनका नाम था। सन 1912 अपने एक लेक्चर में एल्फ्रेड वेंगलर एक कंसेप्ट देते हैं, एक थ्योरी देते हैं जिसको आज हम कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के नाम से जानते हैं। क्या था ये कंसेप्ट? इसमें इन्होंने कहा कि जो कॉन्टिनेंट्स हमको आज दिखते ना, हमें आज ऐसा मैप दिखता है ना, हाँ जी, दिख रहा है सबको मैप? यस आज हमको मैप ऐसा दिखता है, कहते हैं सर। हमेशा ऐसा नहीं था। जब स्टार्टिंग हुआ था तो ये सारे कॉन्टिनेंट एक सुपर कॉन्टिनेंट जिसका नाम पेंजिया था उस नाम से जाने जाते थे। उसके बाद कुछ मूवमेंट हुई, उन्होंने इस मूवमेंट का रीजन नहीं दिया। वो बोलते अर्थ में कुछ मूवमेंट हुई और 2 मेन कॉन्टिनेंट्स बने, लॉरिशिया और गोंडवाना प्लेटू, जो कि बाद में फिर डिसइंटीग्रेट होते हुए अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की प्लेट्स में कन्वर्ट होता है। ओशन ड्रिफ्ट थ्योरी, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, इस थ्योरी को नाम दिया गया और इसको क्रिटिसाइज भी किया गया काफी हद तक, और काफी हद तक इसके हमें प्रूफ्स भी दिए गए। आज मॉडर्न डे साइंस में अगर एक कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी नहीं होती तो हम शायद नहीं समझ पाते कि जो हमारे कॉन्टिनेंट्स ऐसे हैं क्यों हैं। आज हम इतना भी जानते हैं कि अर्थ के क्रस्ट की मूवमेंट की वजह से आने वाले दिनों में आपको देखेगा कि ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका भी डिसइंटीग्रेट होके 2 कॉन्टिनेंट्स में चेंज होगा। उसके साथ पूरा ये अरब का जो प्लेटू है ये पानी के अंदर चला जाएगा, ये हमें पता है। लेकिन ये बहुत लंबा प्रोसेस है, ये ऐसा प्रोसेस नहीं है कि रातों रात हो जाएगा, इट विल टेक टाइम। तो ये थ्योरी जब इन्होंने प्रपोज की तो नेचुरल सी बात है भाई, आप थ्योरी देते हो तो कुछ लोग आपको मानते हैं, कुछ लोग आपको बोलते हैं अरे क्या बात कर रहा है यार। तो ऐसा इनके साथ भी उस दौर में हो रहा था। क्या कहा था इन्होंने? कहा पेंजिया एक सुपर कॉन्टिनेंट था और पेंजिया के इर्द गिर्द में एक मेगा ओशन था। आज ओशंस भी बहुत हैं हमारे पास, नॉर्थ और साउथ, अटलांटिक और पैसिफिक है, इंडियन ओशन है, ठीक है, एंटार्क्टिक ओशन है, हमारे पास आज 7 द्वीप समंदर है, लेकिन उस समय एक ही समंदर था और उसका नाम था पेंथलासा। क्या नाम था? पेंथलासा। तो उस थ्योरी को हम आगे समझते हैं, ये बहुत बड़ी नींव बनने वाली थी आगे की थ्योरियों के लिए। अब उनका कहना था कि पेंथलासा और पेंजिया फर्दर डिसइंटीग्रेट होता है 2 कॉन्टिनेंट्स में, एक सुपर कॉन्टिनेंट बनता है आपका लॉरिसिया, दूसरा बनता है गोंडवाना, और धीरे धीरे करते करते डिसइंटीग्रेट होता है। अब जो उन्होंने स्टेज दी, उन्होंने कहा ये एकाएक नहीं हुआ और ये ऐसा नहीं है कि रातों रात हो जाएगा, ये काफी लाखों साल लगे इस स्टेजेस को टूटने में, स्टेजेस को बनने में। तो ये पहली स्टेज जो बताते हैं वो बताते हैं कार्बोफेरियस जो पीरियड था,
जब डायनासोर से भी पहले का टाइम, जब छोटे छोटे जीवाणु हमारे इस धरती पे थे, तब उन्होंने बोला कि उस समय एक सुपर कॉन्टिनेंट पेंजिया और उस पे नए टाइप के जीवों की उत्पत्ति होती है, और दूसरी तरफ पेंथलासा जहां पे समंदर होता है बहुत बड़ा। तो चार्ल्स डार्विन का नाम सुना आपने? यस चार्ल्स डार्विन ने एक थ्योरी दी सर, है, दैट इज एवोल्यूशन थ्योरी, है ना। हम भी यस एवोल्यूशन सर, थ्योरी यस पढ़ते हैं। सर, हम इंडिया के कंटेक्स्ट में हमारे जो इंसानों के प्रोजेनिटर थे उनके बारे में पढ़ते हैं। जैसे आपको जान के बड़ी हैरानी होगी, कोई बिलासपुर का बच्चा है यहाँ पे? कोई बच्चा बिलासपुर से है? आपको जान के हैरानी होगी, बिलासपुर में इंडिया के सबसे ज्यादा पहले का जो हमारे पूर्वज थे ना, वनमानुष जो थे, जिसको हम बोलते हैं ड्रायोपिथेकस, उसके अवशेष मिले हैं हमको। बिलासपुर की शिवालिक रेंज के साथ साथ हमको ये मिलते हैं। इसके बाद आए रामापिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, फिर होमो हैबिलिस, फिर आया होमो इरेक्टस, जो कि सीधा हमारे पूर्वज हैं, जो सीधा चलना शुरू हुए। उसके बाद होमो नियंडरथैलिस, फिर आए होमो सेपियंस। हम क्या हैं, किसी को पता है ना? हम होमो सेपियंस ही हैं, होमो सेपियंस। क्या आगे एक वंश आया जिसको हम बोलते हैं होमो सेपियन सेपियंस। हम होमो सेपियन सेपियंस हैं। होमो सेपियन तो 9 फुट के थे, जैसे भगवान राम। होमो सेपियंस अलग थे, होमो सेपियन सेपियंस अलग थे। और अब हम फदर तीन उसमें वराइटीज में आए, तीन रेसेस में आए, कॉक्यूशॉइड्स, नीग्रोइड्स, और कौन थे? हाँ जी, मंगलोर मंगलोइड्स। हम जो इंडियन है वो इन दोनों की मिक्स ब्रीड है। कॉक्यूशॉइड्स जो है, वो जो आप देखते हैं ना अंग्रेज, गोरे गोरे अंग्रेज, नीली आंखों वाले, वो कॉक्यूशॉइड्स हैं। और धीरे धीरे ये भी आपस में इंटरमिंगलिंग की वजह से अब नई टाइप की हमारी प्रजातियां जो आ रही हैं, और हाइट हमारी कम होती जा रही है। तो इस थ्योरी जो डार्विन ने हमको थ्योरी दी, उससे वो ऐसा क्यों हुआ, बड़ा विस्मय का कारण है कि आप ये देखते हैं कि कुछ जानवर जो हमको नॉर्थ अमेरिका या साउथ अमेरिका में मिलते हैं, उन्हीं के अवशेष हमको एशिया में भी मिल रहे हैं। ऐसे कैसे हो सकता है? वो सिर्फ तब पॉसिबल है जब किसी टाइम पे शायद ये एक ही लैंड फॉर्म था, उसके लिए ये अपनी थ्योरी देते हैं, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। सेकेंड स्टेज जो आई वो 200 मिलियन ईयर्स पहले आई, जिसको आप जुरैसिक पीरियड बोलते हैं, जब डायनासोर दुनिया में भ्रमण कर रहे थे। पैंजिया पहली बार लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड दो टुकड़ों में बंटता है। और फिर आती है तीसरी स्टेज, जिसमें टिथियल सी जो है वो लॉरेशिया और गोंडवाना प्लेटू के बीच में, जो उस कॉन्टिनेंट के बीच में एक समंदर आ जाता है। और फिर चौथी स्टेज आती है, जो कि लगभग 100 मिलियन साल पहले आई थी, जिसमें नॉर्थ और साउथ अमेरिका ड्रिफ्ट होके वेस्ट की तरफ जाते हैं और एटलांटिक ओशन का जन्म होता है। इसी दौरान रॉकी माउंटेन्स और एंडीज माउंटेन्स बनते हैं नॉर्थ और साउथ अमेरिका में, जब उनकी टक्कर होती है आपस में। और फिर पांचवी स्टेज आई, ओरोजेनेटिक स्टेज, जिसमें दुनिया भर में बड़े बड़े जो हैं हमको पहाड़ दिखते हैं। हमें ये पता है कि हमारे हिमालयास और इसी की तरह एक और पहाड़ी श्रृंखला एल्प्स की, उनमें वो दोनों तिथि सी के नीचे थे। इसीलिए हमें मनाली, लाहौल स्पीति, ये जो वैलीज है ना बच्चों, जब इनको खोदा जाता है तो हमको शालिग्राम, पता ना किसे बोलते हैं शालिग्राम? देखें, जब उसको खोलते तो उसके अंदर ना कुछ ऐसे अवशेष मिलते हैं। वो इसलिए मिलते हैं क्योंकि किसी टाइम में ये पूरा एरिया जिसमें आज हम रह रहे हैं, ये समंदर के नीचे था। तो
अब ये सब बातें तो ठीक थी कि ऐसे ऐसे ड्रिफ्टिंग हुई भाई चला, तो उनको पूछा गया कि भाई आपको लगता क्यों है कि ये ड्रिफ्टिंग हुई, क्योंकि ये थ्योरी थी, इसका कोई प्रमाण हमारे पास वैसे नहीं था, तो ये ड्रिफ्टिंग हुई क्यों? तो इनका कहना था कि कॉन्टिनेंटल जो है इक्वेटर के साथ साथ मूव करे, और उसके मूवमेंट की एक रीजन थी। कभी लस्सी बनाई है किसी ने? हाँ भाई, किसी ने लस्सी बनाई है आप में से? बोलो, किसी बच्चे ने कभी लस्सी बनाई है आप में से? तो यस जब लस्सी बनाते हैं तो मदानी को क्या करते हैं? छोलते हैं ना। मदानी जब इस तरफ में सर, घूमती है तो पूरी लस्सी ऐसे घूमती है, फिर जब दूसरी तरफ में घूमती है तो लस्सी पूरी ऐसे घूमती है। मदानी की मूवमेंट की वजह से हमें ये करंट्स दिखते हैं लस्सी में, राइट? वैसे ही हमारी अर्थ भी तो घूम रही है, और अर्थ किस डायरेक्शन में घूमती है? वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूमती है। तो इसी वजह से हम देखते हैं हमारे यहाँ पे जो करंट्स हैं वो वेस्ट से ईस्ट हेमिस्फेयर नॉर्थ और साउथ के हिसाब से घूमते हैं। और यही मूवमेंट उन्होंने बताया कि एक धरती जो है एक बड़ी सी मदानी की तरह थी उस समय, और अर्थ की मूवमेंट की वजह से क्रस्ट टूटते हुए मूव करती है अलग अलग जगह पे। जो वो नहीं समझा पाए क्योंकि इनकी डेथ हो गई टाइम से पहले कि ये समझा पाते, तो ये पूरी तरह से बता नहीं पाए किस वजह से है। जिस फोर्स का इन्होंने नाम लिया उसे हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। वो क्या है? जब एक स्टेशनरी गोलाकार चीज को जब हम घुमाते हैं तो सबसे ज्यादा फोर्स लगती है उसकी सेंटर की तरफ लगती है, इसको हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। धरती ऐसे घूम रही है तो फोर्स लग रही है साथ में। हम जैसे जैसे नॉर्थ की तरफ जाएंगे ये फोर्स जो है कम होती जाएगी, इसीलिए नॉर्थ पोल पे हमको ज्यादातर इसका इफेक्ट नहीं मिलता। वो स्टेशनर है वहां पे, इसीलिए बर्फ जमी पड़ी है, कुछ हीट भी नहीं आती डायरेक्ट, एटमोस्फेयर रोक देता है सन रेज को, और बाकी उस पे ज्यादा इफेक्ट इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का नहीं पड़ता। अब क्योंकि धरती ऐसे घूम रही है तो क्या हुआ, जो यहां पे लैंड मास थे ना ऐसे ऐसे बने हुए सपोज करो, वो वेस्ट की तरफ चलना शुरू हुए, टूटे, और वो वेस्ट की तरफ उनकी जो मूवमेंट थी वो होनी शुरू हुई। क्यों? क्योंकि धरती तो इस तरफ को घूम रही है तो उल्टी डायरेक्शन में फोर्स जो है चीजों को पुश करती है। अर्थ की रोटेशन घूमने की वजह से ये जो मूवमेंट है हुई, और इसकी वजह से जो है हमारे जो धीरे धीरे करके हमारे प्लैनेट पे जहां हम रहते हैं जो नए टाइप के कॉन्टिनेंट जो है बनने शुरू हुए। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जैसे मैंने आपको बताया पूरी नहीं हो पाई थी, एल्फ्रेड वेगनर की डेथ हो जाती है, कई चीजों में वेगनर जवाब नहीं दे पाए। क्या क्या थे? दो फैक्टर्स थे कि आपने बोला अर्थ की मूवमेंट है उसकी वजह से हो रही है, ठीक है, फिर आपने बोला सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है उसमें भी अर्थ की मूवमेंट है, ठीक है, लेकिन उसकी वजह से जमीन, इतनी बड़ा जमीन का खंड है वो कैसे मूव करेगा? जो उस समय जो नहीं पता था और जो आगे चल के पता चलेगा वो है प्लेट टेक्टोनिक्स। प्लेट्स के बारे में पता है? टेक्टोनिक प्लेट्स का पता है आपको? पूरी धरती टेक्टोनिक प्लेट्स के ऊपर टिकी है, क्रस्ट के ऊपर कुछ प्लेट्स है जो मूव करती है। जब वो आपस में टकराती हैं दोनों प्लेट्स तो माउंटेन्स बनते हैं जिनको हम यंग फोल्ड माउंटेन्स बोलते हैं, और जब वो एक दूसरे दूर जाते हैं तो एक खाई बनती है, डिप्रेशन बनता है समंदर के अंदर। हमने इसके बाद जो हुआ, हमने जब रिसर्च की तो पता लगा कि समंदर के अंदर मरियाना ट्रेंच, सुना आप लोगों ने नाम? सुना है मरियाना ट्रेंच? यस दुनिया का सबसे डीपेस्ट पॉइंट है। उसके बाद अभी पता लगा एक नया डीपेस्ट पॉइंट है, उसको हम चैलेंजर डीप बोलते हैं। वो क्यों फॉर्म हुए? क्योंकि जब वो दो टुकड़े आपस में एक दूसरे से दूर हुए तो एक पूरा डिच बन गया। ये थ्योरी बाद में आई प्लेट टेक्टोनिक्स, लेकिन ये थ्योरी शायद तब तक नहीं आती जब तक हमें कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी का थोड़ा बहुत आइडिया नहीं होता। आज कई सारी थ्योरीज, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, फिर पैलियोमैग्नेटिज्म, फिर सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी, इन सब थ्योरी के बाद फाइनल थ्योरी जो हमको आई वो थी प्लेट टेक्टोनिक्स। यानी कि सबसे पहले हमको, आज इसकी मैं बात कर रहा हूं, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी आई। इसके बाद कंसेप्ट आया
पेलियो मैग्नेटिज्म का। उसके बाद जो कंसेप्ट आया बच्चों वो था सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी, और फाइनली इन तीनों को मिलाकर के एक थ्योरी आई जिसका नाम दिया गया प्लेट टेक्टोनिक्स, टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट की ये थ्योरी, जो कि अब हमको पूरी तरह बताती है। और ये बहुत जरूरी है ये समझने में कि कहां पे अर्थक्वेक आ सकते हैं। हमें पता है ना, हम लोगों को बोला जाता है कि हम जोन 5 में रह रहे हैं, अर्थक्वेक प्रोन एरिया है, पता है ये बात? Yes, sir. क्यों, कैसे पता लगा? उस सब की जो नींव थी वो यही थ्योरी है जो आज हम पढ़ रहे हैं बच्चों। बड़ी इंटरेस्टिंग थ्योरी है, हालांकि अल्फ्रेड वेगनर ने दो ही पॉइंट बोले लेकिन उसके सपोर्ट पे बहुत एविडेंस है और वो काफी हद तक ठीक भी है। क्यों, आप एविडेंस की अगर बात करोगे तो सबसे पहले हम ये देखें, हमने वर्ल्ड मैप देखा है ना? Yes, sir. अब वर्ल्ड मैप को जब हम देखते हैं तो वहां पे जिग्सो पजल, एक बचपन में खेलते थे ऐसे पजल होती थी, याद है कुछ? अलग अलग उसके होते थे ना, अलग अलग ब्लॉक्स बने होते थे, उसको हम एक जोड़ के एक पूरी फोटो बनाते थे। खेलिए कभी? Yes, sir. खेलिए ना। तो ये अर्थ भी जिग्सो पजल की तरह थी इस थ्योरी के मुताबिक। अगर हम ध्यान से देखें, देखो ये नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है, ये अफ्रीका है, अगर हम इन सबको साथ साथ में लगाएं तो ये पीसेस एकदम एक्यूरेटली एक दूसरे के साथ खड़ते हैं। तो पहला प्रमाण तो हमको ये दिया गया कि ये सब एक दूसरे के साथ मिलते हैं, इसका मतलब ओशंस ड्रिफ्ट हुए। दूसरा प्रमाण क्या दिया गया? दूसरा प्रमाण दिया गया जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स। जैसे कि हमें कई सारे विभिन्न प्रकार के जानवरों के अवशेष जो नॉर्थ अमेरिका में मिलते हैं, वही हमको अगर अफ्रीका में मिलने लग पड़े, जो अफ्रीका में मिलते हैं अगर वही हमें साउथ अमेरिका में मिलने लग पड़े, और इस डायग्राम के अनुसार वो समझ में आए कि वो पार्ट एक टाइम पे इकट्ठा था, तो ये चीज भी इसको सपोर्ट करती है। क्योंकि जानवरों के पास हमें शिप्स तो थे नहीं, ना उनके पास एरोप्लेन थे, वो कैसे आते जाते कहीं पे? तो यानी कि किसी टाइम पे पूरा लैंड मास जो था एक ही था, और उस एक लैंड मास के डिसइंटीग्रेशन से हमारे को आज के फर्दर कॉन्टिनेंट्स मिले। ये है आपकी ओशन ड्रिफ्ट थ्योरी। आप में से किसी ने आइस एज देखी है मूवी? देखिए, किसी ने कार्टून मूवी है देखिए? नो सर, कभी देखना, उसमें ओशन ड्रिफ्ट थ्योरी बताई हुई है थोड़ी बहुत ही, लेकिन वो है फनी मूवी है। नाउ अदर देन दिस, हमें और क्या मिलता है? हमें कई सारे ऐसे पॉइंट्स मिलते हैं जहां पे जो लैंड मास है उस पे जो वेजिटेशन है या उस पे जो जानवर है ना, फॉसिल्स जो हमको मिली यार, वो कॉमन एरिया की है। वो कभी हो ही नहीं सकता कि कॉमन एरिया के हो, जब तक अनलेस एंड अनटिल द पॉइंट एंड द कंसेप्ट प्रूव्स कि ये पूरा लैंड का एक ही टुकड़ा था, अलग टुकड़े ये नहीं थे। और हमें अलग अलग टाइम के जो है एविडेंसेस, चाहे आप कोल डिपोजिशन में ले लीजिए, कोयला होता है ना, कोयला पता है कैसे बनता है? किसी को पता है कोल कैसे बनता है? हाँ जी, किसी को पता है कोयला कैसे बना, किस चीज से बना? कार्बन। किससे? कार्बन से। कार्बन से फॉसिल बनी ना बच्चे, किस चीज की फॉसिल्स बनी? जो उस समय के पेड़ थे, जो उस समय के पेड़ थे जब वो जमीन के नीचे दबे अंडर द प्रेशर एंड इंटेंस हीट, वो कोयला बनते गए। इसीलिए आप देखें, अगर कोयले का टुकड़ा कभी हम हाथ में उठाएं तो हमें ऐसा लगता है जैसे ना, एक ध्यान से देखें, लकड़ की तरह लगता है वो, उसको जलाते तो लकड़ की फीलिंग आती है, कार्बन कंटेंट देता है वो इसीलिए। सो अब आप ये सोचो, जिस टाइप की वेजिटेशन, आज तो नहीं है ऐसा, जो हमारे हिमाचल में पहाड़ियों के ऊपर देवदार के पेड़ है, क्या हमें नीचे मिलते हैं? क्या वो मिलते हैं पंजाब? नहीं मिलते। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि उस जमाने के पेड़ पौधे हमें एक ही एरिया में दिख रहे हो, वो भी दोनों एरियाज एक दूसरे से लाखों किलोमीटर दूर हो? वो पॉसिबिलिटी सिर्फ तब थी जब ऐसा कुछ हुआ हो, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुआ। बायोलॉजिकल एविडेंसेस हैं, कई सारे हमारे को जानवर मिले हैं इधर से उधर। अब आप इस डायग्राम में समझेंगे कि हुआ क्या। देखिए, साउथ अमेरिका और अफ्रीका, जैसे मैंने आपको पहले बताया, देखो
कई सारे जानवर जो टेरेसिक के लैंड के रेप्टाइल थे, जो छिपकलियां थी, डायनासोर थे, उनके अवशेष हमें एक कॉमन पट्टी में मिलते हैं। ऐसे ही पेड़ पौधों के अवशेष हमको देखिए साउथ अमेरिका में मिलते हैं, अफ्रीका में मिलते हैं, इंडिया के इसमें मिलते हैं, सब कॉन्टिनेंट में मिलते हैं, लेकिन हद तब हो जाती है जब हमको एंटार्क्टिका में भी वो मिलते हैं और ऑस्ट्रेलिया में भी मिलते हैं। इसका मतलब एक टाइम पे तो इकट्ठा होगा, वेजिटेशन तो पानी के अंदर नहीं उग सकती ना। और वही नहीं, अफ्रीका, इंडिया और एंटार्क्टिका में भी जीवाश्म हमें जानवरों के मिले। ये कैसे पॉसिबल था? ये सिर्फ तब पॉसिबल था कि जब ये पूरा लैंड मास इकट्ठा हो, एक ही लैंड मास हो, अलग हो ही ना। तो सिर्फ इस बेस के ऊपर बोल देना कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी पूर्णता से सही है, प्रॉब्लम अगेन वही थी जहां पे एल्फ्रेड वेगनर की डेथ हो जाती है और वो अपनी थ्योरी को पूरा नहीं कर पाते और प्रूफ उसके ऊपर नहीं देते और बड़ा लंबा स्टॉल आया। इस दौरान लोगों ने इसको क्रिटिसाइज करना शुरू किया, उन्होंने बोला कि आप हवाबाजी कर रहे हो, तुक्का मार रहे हो कि ये ऐसा मिल रहा है यहाँ पे इसीलिए कॉमन हो, क्योंकि आपके पास सर्कमस्टांशियल एविडेंस नहीं है। सीआईडी देखा है आपने कभी? हाँ जी, yes, सीआईडी देखा है? तो सीआईडी में क्या बता रहे हैं, जब हमको इस चीज का सर्कमस्टांशियल एविडेंस नहीं मिला तो हम कैसे मान लें? तो ये कॉन्ट्रोवर्सी है जी, ये तो आपने ख्याली पुलाव बनाया और बना करके हमारे सामने रख दिया, ये बोला गया। उसके ऊपर आपने बोला कि अर्थ की मूवमेंट की फोर्सेस, उस समय इतना समझ नहीं था, मैं सन 1912 के करीब की बात कर रहा हूँ, नहीं थी इतनी समझ कि अर्थ की मूवमेंट की वजह से कोई बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो उन्होंने बोला क्या है यार, इतनी बड़ी धरती है, घूम रही है, हमेशा से घूम रही है, आज तक तो इफेक्ट पड़ा नहीं, अगर इफेक्ट पड़ना होता हमारे ऊपर नहीं पड़ता। साइंस इतनी तरक्की नहीं की थी और ये अपने टाइम से बड़ी एडवांस थ्योरी थी। फिर ग्रेविटेशनल फोर्स के कुछ एक्सपर्ट आके बोलते हैं भाई अगर ऐसा है तो मून और सन की भी तो ग्रेविटी है, उसकी वजह से क्यों नहीं खिंचता कुछ, धरती के घूमने की वजह से क्यों होता है? अगेन हमारे पास इंफॉर्मेशन सेट कम था। और अगर वो कहते हैं अगर ओशंस पे ये तैरते हैं तो छोटा सा पत्थर नहीं तैर पाता, इतना बड़ा लैंड मास कैसे तैरेगा? यहां पे भी एक सर्कमस्टेंशन थी, एक गलती थी। वो क्या थी? वो ये थी कि भाई हमें पेलियोमैग्नेटिज्म का नहीं पता था कंसेप्ट है, यानी कि अर्थ की क्रस्ट के नीचे एक लावा का ओशन है और अर्थ की क्रस्ट उसके ऊपर तैरती है, इसका एविडेंस उस समय तक नहीं आया था। काफी हद तक एल्फ्रेड विंगलर ने जो कहा वो सच था। और सबसे मजेदार बात थी, जो प्री कार्बोनिफेरस टाइम पीरियड की मैं बात करूं, जैसे जीवाश्म थे, हमारे पास उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन बहुत कम है कि इनिशियली जब अर्थ स्टार्ट हुई थी, हमें ये पता है अमीनो एसिड्स की वजह से पहले जीव इस धरती पे उत्पन्न होते हैं, लेकिन उसके बाद क्या हुआ हमें इसके एविडेंसेस नहीं मिलते। काफी खरबों साल पुरानी बात है और आज हम इसके एविडेंस नहीं ढूंढ पाते क्योंकि ये लैंडमास चेंज होते रहते हैं। आने वाले टाइम में भी मैं आपको बता रहा हूँ ऐसा होने वाला है जब लैंडमास चेंज हो गया। और इसी थ्योरी को मैंने क्यों चूज किया इस चैप्टर में, क्योंकि अभी रिसेंटली हमें ये पता लगा है, हमें अपने इंडिया का मैप पता ना ऐसा है, नीचे से पता है ना सबको? यस सर। आपको पता है यहाँ पे एक सिटी है जिसका नाम है द्वारका, भगवान कृष्ण की क्या यहाँ माना जाता था कि भगवान के, हमें हालांकि 1960 के दशक में असली द्वारका मिल गई थी तो पानी के अंदर है। अब की नई रिसर्च ये बता रही है कि जो ये द्वारका जो डूबी है ये किसी टाइम पे एक लैंडमार्क था जो कनेक्ट करता था ऑस्ट्रेलिया को भी इंडिया से, यानी कि इंडियन ओशन अस्तित्व में नहीं था, ना ही बे ऑफ बंगाल अस्तित्व में था। और ये ओशियनिक कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी से मेल खाने वाली बात है। वैसे भी हमारे पास एविडेंस तो है ही है कि इंडिया का जो प्लेटू है, पहले हम जुड़े थे कहाँ, हम जुड़े थे अफ्रीका के साथ। अफ्रीका से मेडागास्कर एक जगह है,
मेडागास्कर के साथ हमारी अर्थ का इंडियन प्लेट थी जो कि टूट करके बाद में एशिया की यूरेशियन प्लेट में जाके टकराती है और हिमालय का निर्माण होता है। हमारे ऊपर जो ऐसे हिमालय हमको दिख रहे हैं ऐसे आते हुए, हिमालय आपको पता है हिमालय का सबसे ईस्ट में कौन सा पार्ट है और वो कहाँ किस कंट्री में है, किसी को ये पता है ईस्टवर्ड एक्सटेंशन क्या है हिमालय की, पता है? ये म्यांमार में है और इसका नाम है अराकान योमा। वहां पर जाके हमारे जो हिमालय साहब है वो योयो बन जाते हैं और वहां पर जाके वो अराकान योमा के नाम से उनको जानते हैं। ये इसलिए बना था क्योंकि हमारी जो प्लेट थी, जो हमारी इंडियन प्लेट थी, वो आती है और आकर के यूरेशियन प्लेट में जब टकराती है, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया जब दो प्लेट टकराती है तो यंग फोल्ड माउंटेन्स बनते हैं ऐसे ऊपर को आगे। तो ये यहाँ पे जो फॉर्मेशन हुई वो फॉर्मेशन हुई हिमालयाज की। अदर देन दैट सवाल क्रिटिसिज्म में जो पूछे गए बोले गए भाई नॉर्थ और वेस्ट की तरफ ही क्यों गया? वेस्ट की तरफ तो समझ में आता है कि आप बोलते हो कि अर्थ की मूवमेंट इस तरफ में है तो मूवमेंट उसकी इधर, लेकिन नॉर्थ की तरफ क्यों गया इसके पीछे आप रीजन नहीं दे पाते हो। वैसे मेरा पर्सनल टेक है सिर्फ नॉर्थ की तरफ नहीं, उधर साउथ में भी, उधर की एंटार्क्टिका जो है वो साउथ में जाकर के साउथ पोल के पास जाकर के टिक गया। वो आज भी धीरे धीरे मूव कर रहे हैं, धीरे धीरे सब मूव कर रहे हैं, लेकिन इनकी धीरे धीरे जो स्पीड है वो कितनी है, लगभग 1 से 2 सेंटीमीटर पर 5,000 साल। तो इतनों के लिए तो ना तुम रहोगे ना हम रहेंगे, एक अश्वत्थामा जी है जो बता सकते हैं कि हाँ भैया लैंड मास चेंज हुआ है। सेकंड बोला गया सियाल, सियाल यानी कि हमारी क्रस्ट को हम सियाल बोलते हैं क्योंकि इसमें दो मेन कंपोनेंट्स हैं सिलिकॉन और एल्यूमिनियम। ये कहते हैं सियाल क्या सीमा यानी कि मेंटल के ऊपर फ्लोट कर सकता है? ये लिथोस्फेरिक फ्लोटिंग उस समय नहीं मान रहा था कोई कि ऐसा कुछ होगा भी, क्रिटिसिज्म था भैया। उसके बाद पूछा गया कि अगर ऐसा है भी है तो रॉकीज और एंडीज माउंटेन जो बने वो अपने आप से अगर बने हैं तो कैसे बने हैं, उस थ्योरी उस उनकी फॉर्मेशन को, हालांकि ये बोलते तो हैं कि क्रस्ट की मूवमेंट हुई लेकिन एल्फ्रेड वेंगलर क्योंकि टाइम से पहले चले गए समझा नहीं पाया कोई क्यों मूवमेंट हुई। और ओशियानिक रिजेस और आइसलैंड जो बने, आइलैंड जो देखते हैं ना छोटे छोटे मालदीव्स है टापू है छोटे छोटे से, वो कैसे बन गए? क्योंकि अगर पूरा का पूरा लैंड मास ही जा रहा था तो आइलैंड पीछे कैसे रह गए छोटे छोटे एरिया, तो उसके ऊपर वो सवाल उठाता है। तो फाइनल कंक्लूजन इस थ्योरी पे जो हम निकालते हैं वो ये है कि अपितु मेजोरिटी साइंटिस्ट इसको रिजेक्ट करते हैं क्योंकि 1930 में वैंगलर साहब की डेथ होती है और वो बता नहीं पाते आगे क्या है। लेकिन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कवरी थी हमारे लिए, इंपॉर्टेंट इसलिए थी कि इसके बाद शास्त्रार्थ शुरू हुआ कि अगर ऐसा कुछ है, इस बंदे ने ऐसा सोचा तो क्यों सोचा होगा, शास्त्रार्थ होना शुरू हुआ। और शास्त्रार्थ से पहले, डेथ से पहले इन्होंने कहा था, एक कंसेप्ट दिया था कन्वेंशनल करंट्स का। इन्होंने कहा था कि हमारे धरती के सतह के नीचे भी, ओशन में तो करंट्स आते हैं, सतह के नीचे भी मेंटल में जो मैग्मा है जो लावा है वो घूमता रहता है, वो एक जगह स्थिर नहीं है। वो कंसेप्ट तो दे गए लेकिन उसको आगे बता नहीं पाए, उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए क्योंकि डेथ हो गई थी भाई। तो ये जो थ्योरी थी ये आधी अधूरी सी थ्योरी बन के रहती है और प्रेजेंट डे में हम इस थ्योरी को पूरी तरह नहीं मानते। हाँ ये बेस जरूर बनने वाली थी आगे आने वाली थ्योरी का, जिसको हम लोग सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी या पेलियो मैग्नेटिज्म बोलते हैं। अब 1960 में एक और हाइपोथेसिस या एक थ्योरी लगाई जाती है बाय एच हैरी हेस। अब हुआ क्या था, ये लोग समंदर का मुआयना करते सोनार टेक्नोलॉजी के साथ, और जब ये अटलांटिक उसमें चल रहे थे ना अटलांटिक ओशन में, तब इनको पता लगा कि ओशन के बीचों बीच, अटलांटिक ओशन के बीचों बीच कुछ पहाड़ी सतह है, कुछ रिजेस हैं, जिसका होने का मतलब समझ नहीं आ रहा था क्योंकि समंदर के नीचे तो ये मानते थे सब कुछ समतल है,
समंदर के नीचे पहाड़ी नहीं हो सकती, समंदर के नीचे गड्ढे नहीं हो सकते। अब पहली बार हम लोगों को ये चीजें दिखनी शुरू होती है, और जब ये दिखनी शुरू हुई ना तो हमें एक और चीज पता लगी, जहां जहां पे ये समंदर के नीचे हमको रिज मिले, जहां जहां पे प्लेटो टाइप के स्ट्रक्चर हमको मिले, हमें पता लगा कि यहां पे टेम्परेचर बाकी के सतह से ज्यादा गर्म था। अब वो गर्म क्यों हो सकता है, इसके ऊपर सवाल आया। अब देखे ना, ये समंदर है, हम मानते हैं समंदर के नीचे ऐसे सतह है, लेकिन अचानक से हमको कुछ सतहें अलग अलग टाइप की मिलने लग पड़ी। और मजेदार बात यह है कि इनके इर्द गिर्द का टेम्परेचर ज्यादा गर्म था एज कम्पेयर टू बाकी का समंदर। अब इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं? पहला कारण तो यही हो सकता है कि यहाँ पे कहीं पे लावा फ्लो कर रहा है, जहां पे लावा होगा वहां पे जमीन गर्म हो जाएगी। पता है ना ये बात? हाँ जी, पता है सबको? है ना। तो अब ये माना गया कि ये जो हाई टेम्परेचर है मैग्मा की वजह से है, जो कि इन रिजेस से, जो रिजेस बनाए थे ना ऐसे, इनमें से कहीं ना कहीं से लावा जो है सतह पे बाहर निकल रहा है, और इस लावा के बाहर निकलने की वजह से इर्द गिर्द का जो तापमान है वो गर्म हो जाता है। अब ये थ्योरी में जब ये, और ये थ्योरी नहीं थी, ये तो हमारे को सामने आना लग पड़ा। तो अब एल्फ्रेड वेगनर ने जो 1912 में थ्योरी दी थी, जिसको सब लोगों ने क्रिटिसाइज करके नलिफाइड कर दिया था, उसकी तरफ जोर लगना शुरू होता कि शायद एल्फ्रेड वेगनर साहब बिल्कुल सही बात बोल रहे थे कि कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट करते हैं, नीचे एक समंदर है और वहां से जन्म हुआ आपकी सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी का, और जब कंसेप्ट आया पेलियो मैग्नेटिज्म का। पेलियो मैग्नेटिज्म क्या है? ये जो आप फिगर देख पा रहे हैं ना बच्चे, इसमें ये ब्राउन एरिया धरती की सतह है, लिथोस्फेयर है, और ये जो आप यहां पे कुछ मूवमेंट देखेंगे, ये वाली मूवमेंट आप देख पा रहे हैं कि एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे जा रही है, दिख रहा है ये? Yes, sir. Yes, sir. दिख रहा है ये एरिया, देख पा रहे हो? या जूम करूं? सर दिख रहा है, रुको तुम्हें जूम करके दिखा देता हूं, देख रहे हो? इन्होंने कहा कि ये जो एरिया जो नीचे जा रहा है ना, ये जब धरती के नीचे जाएगा ये एरिया, तो ये पिघल जाएगा और ये जो आपके लावा के करंट घूम रहे हैं उसकी तरह उसके साथ साथ में घूमना शुरू कर देगा। कुछ जगहों में ऐसा होगा कि ये जो करंट है ये फिर लावा के फॉर्म में वॉल्केनो या ज्वालामुखी के तौर पे बाहर आएगा, और ये पूरी धरती पे एक कॉमन सा जो है फंडा ये है। तो अब जब उन्होंने ये बात सामने आई तो उस चीज को दोबारा दोहराया गया जो कि एल्फ्रेड वेगनर ने कहा था कि धरती की मूवमेंट हो रही है, सतह पर मूवमेंट होती है, इसके प्रमाण है। अब फर्दर क्या हुआ? फर्दर इस थ्योरी को नाम दिया गया, और ये जो करंट की मूवमेंट हमने ढूंढी ये बना बेस सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी। अभी हम लोगों ने ये देखा कि समंदर के सतह के नीचे फ्लोर मूव कर रहा है, इसका मतलब तो ये बना, अगर समंदर के सतह के नीचे मूव कर रहा है तो धरती के नीचे भी मूवमेंट है, और शायद इसी वजह से अर्थक्वेक आते हैं। इसी बात पर एक और थिंकर थे, एक और मेट्रोलॉजिस्ट थे, उनका नाम था आर्थर होम्स। 1930 में उन्होंने कहा था कि ये पॉसिबिलिटी है जो एल्फ्रेड वेगनर कह रहे हैं कि धरती के नीचे ऐसे कुछ करंट्स चल रहे होंगे, कुछ करंट्स ऐसे चल रहे होंगे, और ये बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है। जब उन्होंने ये बात हमारी सामने आनी शुरू हुई तो हमें ये पता लगा कि जो रेडियो एक्टिव मटीरियल, जैसे कि हमारे क्या बोलते हैं, यूरेनियम हुआ, जिनोन गैसेस हुई, वो क्यों धरती के ऊपर हमको मिलती है? आप लोगों को ये पता है हीरा कहाँ बनता है? डायमंड। किसी को पता है डायमंड कहाँ बनता है? एक कॉमन समंदर। कहाँ पे? हम बोलते हैं कि कोल माइन से, कोयले की खदान से ही निकाला गया और कोयले से ही हीरा बनता है, वो गलत बात है बच्चों। हीरा कहीं यहां पे बनता है, हीरे को जो टेम्परेचर चाहिए ना वो इनर कोर में है, और ये करंट जब बाहर की तरफ आता है
तब हीरा कभी कभी किसी किसी जगह पे ये हमारे मेंटल के अंदर आया था, और फिर इन कन्वेंशनल करंट की वजह से एक जगह पे जाकर वो स्थायी रूप पे रुक जाता है। इसीलिए हमें हर जगह पे हीरे नहीं मिलते, हीरे की खदाने हैं, समझ गए? और वो खदाने कोल माइन से होके निकलती है, बेसिकली कोल की खदाने हैं। अब इस थ्योरी के मुताबिक सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी या कन्वेंशनल करंट थ्योरी जो थी, इसके मुताबिक धरती की सतह के 100 से 2900 किलोमीटर नीचे तक क्या है, इतनी तेज करंट उठते हैं कि चीजें चेंज होती हैं। अनफॉर्चुनेट है कि अभी तक हम धरती के सिर्फ 12 किलोमीटर अंदर तक जा पाए हैं, उससे नीचे हम नहीं जा पाए हैं। फदर ये कहते हैं कि जब भी इसमें ऊर्जा की ज्यादा उत्पन्न हो जाती है तो ये पूरी तरह से घूमते हुए कई बार बाहर आता है, और ये एक ऐसा साइकिल है जो कंटिन्यूसली चलता ही रहता है, देर इज नो स्टॉपेज इन दिस। और वहीं से कंसेप्ट निकला पेलियो मैग्नेटिज्म, यानी कि एक ऐसी स्टडी जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को पढ़े और ये बताए कि मैग्नेटिक फील्ड जो है पत्थरों में और सेडिमेंट्स में, जो सेडिमेंट्री रॉक्स है ना, उनके बीच में किस तरह से हमें मैग्नेटिक फील्ड्स ये समझा सकती हैं कि धरती का किस स्ट्रक्चर में कहाँ पे क्या है, धरती की पोलैरिटी, नॉर्थ पोल साउथ पोल, मैग्नेटिक फील्ड रिवर्सल जिसकी बात हो रही थी कि अभी धरती आपको, आप लोगों को ये बात पता है कि अर्थ जो हमारी ऐसे घूम रही है वो स्लो हो गई है, ये पता है आप लोगों को? रीसेंट स्टडीज बता रही हैं कि अर्थ है वो स्लो हो गई है, और हमारा जो इनर कोर है वो पहले इस डायरेक्शन में घूम रहा था, इस वक्त वो रुक गया है, वो घूम नहीं रहा है, ये बात पता है आप लोगों को? माना जा रहा है अगले नो 3 से 4 मंथ्स के अंदर ये उल्टा घूमना शुरू हो जाएगा। जब ये उल्टा घूमेगा तो हमारे डे और नाइट की जो और व्यत्यता है वो बढ़ जाएगी। इस वक्त जो है प्रेजेंटली पिछले 5 साल के अंदर की अगर बात करूं तो जो दिन है वो तकरीबन 1.5 मिनट बड़ा हो गया है, स्पीड स्लो हो गई है अर्थ की, और धीरे धीरे करते करते अर्थ रुकेगी फिर वापस घूमेगी। तो आज हो सकता है हम ये चीज देखे, आज हम देखते हैं सूर्य ईस्ट से उगता है वेस्ट में डूबता है, यही देखते हैं ना हम लोग, यहां उगा और यहां डूब गया। अगले 10-15 साल के अंदर हो सकता है कि आप ये देखें कि सूरज वेस्ट से उगा और ईस्ट में डूब गया, क्योंकि अर्थ की जो मूवमेंट है वो चेंज हो रही है, इसमें कोई शक की बात नहीं है, हमें पता लग चुका है कि कोर इस वक्त रुका हुआ है धरती का, इसी वजह से कई सारे क्लाइमेटिकल डिजास्टर्स भी हो रहे हैं। इसके अलावा सी फ्लोर स्प्रेड थ्योरी या पेलियो मैग्नेटिज्म से हमें यह पता लगता है कि जो वॉलकैनो या ज्वालामुखी पानी के सतह के नीचे फटता है उससे जो रॉक बनती है वो रॉक एक कॉमन रॉक है, और वो पत्थर जो है सारांश सी फ्लोर पे हमको मिलता है। इसका मतलब सी फ्लोर के नीचे तो हरकत हो रही है भैया। अब ये सब थ्योरीज देखते हुए हम आगे बढ़े, पेलियो मैग्नेटिज्म का एक कंसेप्ट जो हमें पता लगा वो ये पता लगा कि एक नॉर्मल पोलैरिटी होती है, एक रिवर्स होती है। अभी जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो रिवर्स पे हम जाने वाले हैं। नॉर्मल जो है जिस चीज को हम नॉर्थ पोल मानते हैं हमारी, वो साउथ पोल है, और साउथ पोल को हम नॉर्थ पोल मानते हैं, लेकिन ये चीज अगर एक्चुअल में देखा जाए तो हम इसको इसको नॉर्थ मानते हैं, इसको साउथ मानते हैं, समझ गए? इसको हम नॉर्थ मानते हैं और दूसरे को हम साउथ मानते हैं, जो कि उल्टा है, रिवर्स पोलैरिटी के ऊपर हम चलते हैं। अब पेलियो मैग्नेटिज्म का मतलब, पेलियो का मतलब होता है पत्थर, और जो भी पत्थर समंदर के अंदर जो भी रिजेस बन रही हैं उसके ऊपर से, उनके रिजेस के बनने से और उनके फैलने से हमें जो थ्योरी मिली उसका हमने नाम दिया सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी। इस थ्योरी के मुताबिक सतह के नीचे, समंदर की सतह के नीचे जो है हमारा फ्लोर एक्सपैंड होता जा रहा है, और यहां से हमें पता लगा कि अर्थ की जो सतह है वो एक नहीं है, हमारी धरती के ऊपर मल्टीपल प्लेट्स हैं, और उन प्लेट्स की वजह से अर्थक्वेक, सुनामी जैसी कई चीजें जो है नेचुरली अकर करती हैं, और ये प्लेट्स कोई छोटी मोटी प्लेट्स नहीं, बहुत बड़ी बड़ी है। तो अब हम लोगों को कई चीजों का ज्ञान हुआ कि रिजेस बनी तो क्यों बनी। हमने कहा
रिजेस बनी जब दो प्लेट्स की मूवमेंट एक दूसरे के ऑपोजिट साइड में हुई, उसकी वजह से एक खड्डा खुला और एट टाइम्स इस खड्डे से मैग्मा बाहर आना शुरू हुआ। और जब वो मैग्मा, अगर मैं 2D में बनाऊं इसको, तो ये एक प्लेट थी, दूसरी प्लेट थी, मैग्मा जब ऊपर आके इकट्ठा होना शुरू हुआ, जब वो लावा, जलता हुआ लावा जब पानी से मिला तो वो ठंडा तो होगा ना, सॉलिड पत्थर का बनेगा। तो हमको इस टाइप की पहाड़ियां जो हैं ऑन टाइम पीरियड के बाद हमें धरती के समंदर की सतह के अंदर मिली। अब हमें ये चीज क्लियर हो गई थी कि सतह हमेशा एक समान नहीं रहती, धरती की सतह में चेंजेस आती रहती हैं, और ये कोई छोटा मोटा काम नहीं, कई खरबों साल इसमें लगते हैं और ये चेंजेस होती हैं। और वहां से जन्म हुआ सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी का। हैरी हेस ने 1930 के दशक में जो सपोर्ट किया था अल्फ्रेड विंगलर को, वो अपने आप में आइडिया क्लिक हो जाता है। अल्फ्रेड विंगलर की एक थ्योरी जो कि ओशनिक कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी थी, उसके साथ जुड़ती है आपकी सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी, और मॉडर्न डे साइंस के साथ जुड़ते हुए हमें समझ में आता है कि ये मूवमेंट्स क्यों हो रही हैं, कैसे हो रही है। हमें ये पता लगता है कि कई सारी प्लेट्स हैं जो कि इस धरती के ऊपर बनी हुई है, जिनकी मूवमेंट पर बहुत असर पड़ता है। और धीरे धीरे फिर हमने प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी को समझना शुरू किया, हमने समझना शुरू किया कि प्लेट की मूवमेंट कब होती है, क्यों होती है, क्या हम इसका अनुमान लगा सकते हैं। अनुमान तो हम नहीं लगा सकते, लेकिन हमें ये पता लग गया कि कहाँ कहाँ पे जोन्स बना सकते हैं, किस जोन पे क्या काम होगा, और हमारे को उसके कई सारे एविडेंसेस भी मिले। कैसे मिले? सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी की एविडेंस में सबसे पहला हमको जो एविडेंस मिला वो समंदर की सतह के ऊपर हमें लावा मिला। हम तो यही सोचते थे कि सब कुछ स्थाई और लावा तो भैया वॉल्केनो से फटता है, बट वॉल्केनो तो यहाँ है नहीं, तो कैसे फटा। उसके अलावा हमें एक बड़ी मजेदार चीज पता लगी जिसको हम मैग्नेटिक स्ट्रिप्स बोलते हैं। मैग्नेटिक स्ट्रिप्स क्या है? हमने ये देखा कि समंदर के नीचे एक ही टाइप की फॉर्मेशन है पत्थरों की, वो ऐसे है। आप जान के हैरान होंगे जब समंदर के नीचे साइंटिस्ट सूत्रों ने देखा कि पत्थर एक लाइन में लगे हुए, ऐसे कैसे लग सकते हैं, ऐसा लगा है किसी और ने बनाए होंगे ये, बट नहीं, ये था मैग्नेटिज्म की वजह से, मैग्नेटिक इफेक्ट था, मैग्नेट क्योंकि पत्थर के अंदर आयरन है और वो मैग्नेटिकली इंक्लाइंड हुआ अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के साथ, जो कि पेलियो मैग्नेटिज्म में हमने समझा। इसके अलावा जब हमने ड्रिल करना शुरू किया धरती के सतह में, तब भी हमको कई चीजें जो है वो क्लियर हुई, ये कैसे बना, क्यों बना। इसके बाद एक सबडक्शन, डीप ओशन ट्रेंचेस, जो कि हमने ओशन के बीच में जाकर के खुदाई करते हैं ना तेल निकालने के लिए, तब भी हमें बहुत कुछ पता लगता है। हमें अलग अलग टाइप के पत्थर मिलते हैं जो कि नॉर्मली आप देखें, जो मैं अभी आपको एक डायग्राम बता रहा था, ये देखिए किस तरह से लाइन अप दिख रहे हैं, ये सारे पत्थर लाइन अप, हमको लाइन अप में पत्थर मिलते हैं। इसके अलावा कई चीजें हमको ड्रिलिंग की वजह से सामने आती है कि यार इधर की रॉक इस टाइप की है, इस टाइप की है। सबडक्शन का प्रोसेस है जिसके थ्रू एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे सबड्यूस होती है, और फिर वो पैलियोमैग्नेटिक फील्ड को हमने पढ़ा, उस हिसाब से और यहाँ से हमें पता लगा कि दुनिया में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थ कैसे है और वोल्केनिक एक्टिविटीज दुनिया में कैसे कैसे हैं। मगर कुछ अनसॉल्व प्रॉब्लम्स थी जो कि अभी तक सॉल्व नहीं हुई, जिसको सॉल्व करने के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा आपको। अच्छा माइक बंद कर लिया ना। सबसे पहले आप ये जानिए, प्लेट टेक्टोनिक शब्द जो है ये यूज की थी टूजो विल्सन ने, यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में यूज की थी, और इसको फाइनली पब्लिश करते हैं W.J. मॉर्गन। ये प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में 1962 में, जस्ट 2 साल बाद ओशन आपकी सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी के बाद ये आती है। इसमें हम बताते हैं कि धरती पूरी तरह 7 मेन प्लेट्स के ऊपर टिकी है, जिनको हम 7 मेन कॉन्टिनेंट्स भी बोलते हैं, और ये एक दो दिन का काम नहीं, मिलियंस ऑफ ईयर्स हमको लगे। इसके ऊपर जब डीप में स्टडी की गई तो हमें पता लगा कि इन क्रस्ट की मूवमेंट 3 टाइप की हो सकती है। एक होगी कन्वेंशनल मूवमेंट, या हम बोले सबडक्शन, जिसमें एक दूसरे की तरफ ये क्रस्ट की दो प्लेट जो है मूव करेंगे, जब वो मूव करेगी तो वो पहाड़ियां बनेंगी। दूसरी है कि वो डाइवर्जेंट रहेगी, पहले कन्वर्जेंट हो गई फिर डाइवर्जेंट रहेगी, जिसकी वजह से वो गैप खुलेगा। इसके कई सारे प्रमाण, अगर आप अफ्रीका का मैप देखोगे ना, तो अफ्रीका में आप देखेंगे इजिप्ट के नीचे से
एक ना सीरीज में ऐसे कई सारी हमको, कई सारे छोटी छोटी हमको लेक्स मिलती हैं, वो इस बात का प्रूफ है कि अफ्रीका की प्लेट डाइवर्ज हो रही है। कन्वर्जेंट का प्रूफ है हमारा हिमालयस। हिमालय में हम क्या देखते हैं कि हिमालय जहां बन रहे हैं वहां पे इंडियन प्लेट और दूसरी प्लेट यानी कि यूरेशियन प्लेट दोनों आपस में टकराई और हिमालय बन गए। और तीसरे टाइप की एक और प्लेट है जिसकी मूवमेंट है, वो ट्रांसवर्स प्लेट है, उसकी मूवमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन वो हाई रिस्क जोन रहता है। तो हमने ये देखा कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी किस तरह से बनी फदर। अब आज के लिए मैं आपको इतना ही बताऊंगा, उससे पहले मैं आपको इतना बताता हूँ जो मैंने मेजर प्लेट्स की बात कर रहा हूँ, जो सात मेजर प्लेट्स है उसमें कौन कौन सी है। आपके सामने डायग्राम है एंटार्क्टिका और सराउंडिंग ओशनिक प्लेट, देखो कितनी बड़ी प्लेट बनाई है। दूसरी प्लेट दी हमने नॉर्थ अमेरिकन प्लेट जो कि पूरे नॉर्थ अमेरिका को लगभग कवर अप करती है। तीसरी आई साउथ अमेरिकन प्लेट जो कि साउथ अमेरिका के साथ साथ मूव करती है। चौथी आई पैसिफिक प्लेट जो कि पैसिफिक ओशन में मूव करती है, ये भी पैसिफिक प्लेट है, ठीक है। फिर आया इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का प्लेट, ये इंडियन प्लेट है जो कि किसी टाइम में यहां से मूव होके आई थी। इसके अलावा ये पूरी एक ही प्लेट हम लोग इसको गिनते हैं। फिर आती है अफ्रीका की और ईस्ट अटलांटिक फ्लोर प्लेट, और फाइनली यूरेशिया की एंड एडजेसेंट ओशनिक प्लेट्स आती है हमारे सामने। ये कुछ मेजर प्लेट्स है बच्चों, इसके अलावा कुछ माइनर प्लेट्स भी हैं जिसमें हमने तोड़ा, जैसे कि अरेबियन प्लेट, बिस्मार्क प्लेट, कैरेबियन प्लेट, कैरोलिना प्लेट, कोकोस प्लेट, जुआन दे फुक प्लेट, नास्का प्लेट्स, फिलिपीन प्लेट्स, पर्शियन प्लेट्स, एनाटोलियन प्लेट्स, चाइना प्लेट्स और फिजी प्लेट्स। और फर्दर इनके सबडक्शंस हैं, अलग अलग छोटी छोटी प्लेट्स में हमने एरिया वाइज भी सब कुछ डिवाइड किया हुआ है। बाकी इससे ज्यादा डेप्थ में तो इसमें क्या ही जाऊंगा आज मैं, क्योंकि अपने आप में बहुत लंबे टॉपिक हैं तो इसको समझने में टाइम लगेगा। बट आप मेरे को मोटा मोटा ये समझाए, आज कुछ समझ में आया, कुछ सीखा? यस यस ठीक है सर। ना, तो अभी ये काफी डेप्थ वाला माजरा है बच्चों, इसको धीरे धीरे करके हम क्लासिफाई करेंगे धीरे धीरे। अभी तो स्टार्ट करेंगे 3 अक्टूबर से हम लोग। जैसे आपको शशांक सर ने बताया होगा कि हम थर्सडे को आपके धर्मशाला में तो हम आप सबसे मिलना चाहेंगे, प्लस जो आपका रिजल्ट निकला है उसके ऊपर भी हम बात कर रहे हैं, आपके डायरेक्टर साहब से भी कुछ बात हुई है, तो वो आपके बार आपको इन्फॉर्मेशन आपके यूनिवर्सिटी की तरफ से और कॉलेज कैंपस की तरफ से आपके पास वो मूव कर दी जाएगी कि क्या इन्फॉर्मेशन है, ठीक है बच्चों। आई होप आज आपको कुछ नया सीखने को मिला और मजा आया। यस सर। मजा आना चाहिए भाई पढ़ने में, क्योंकि तब तुम अपने लिए पढ़ोगे। हमेशा याद रखो, पढ़ना सिर्फ ज्ञान इकट्ठा करने के लिए, किसी पेपर के लिए नहीं पढ़ना। अपने आप ज्ञान जब इकट्ठा हो जाए, ज्ञानी व्यक्ति जो होता है ना, उसके सामने सब इजी हो जाता है, ठीक है। आज हम इतना ही करेंगे बच्चों, आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा आज का लेक्चर। कल के जो टॉपिक्स रहेंगे वो मैं आपको थोड़ी देर के बाद अपडेट करूंगा, क्योंकि यहाँ पे दो टॉपिक्स हैं जो मैं लेना चाह रहा हूँ, वो अब मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ। क्या तुम ये चाहते हो कि मैं कोई हिस्ट्री का लेक्चर लूँ, या तुम ये चाहोगे कि मैं तुम्हारे साथ डिस्कस करूँ मैथ्स? हिस्ट्री कर ले कल को। हिस्ट्री का लेक्चर। हिस्ट्री में मैं ये सोच रहा हूँ तुमको टेम्पल आर्किटेक्चर कराऊं, क्योंकि टेम्पल आर्किटेक्चर एक ऐसी चीज है जो बड़ी गुप्ता पीरियड में शुरू हुई, 5 स्टेजेस में बनता है, कैसे कैसे होता है, ठीक है। कल हम टेम्पल आर्किटेक्चर पे करेंगे। जो आपके फ्रेंड्स नहीं आ पा रहे उनको भी बताओ, उनको बोलो कि यार ये क्लासेस लगा के तो देखो, तुम्हें तब पता लगेगा हम करवा क्या रहे हैं, ठीक है। तो कल हम टेम्पल आर्किटेक्चर के ऊपर करेंगे, 3 स्टाइल्स है बेसिकली। हो सकता है फिर कल का लेक्चर 1 या 1.5 घंटे का हो जाए, तो उस हिसाब से बैठना, पानी पुनी लेके साथ में, ठीक है। यस चलिए फिर, अब आपसे कल यस मिलना सर। बच्चों, ठीक है। ठीक है।